गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। समय आ गया है WWE सुपर शोडाउन 2020 को रिव्यू करने का। और जबकि आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं, टाइम हो रहा है फिलहाल 2:51 AM। ये मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो और आप लोगों को सुबह देखने को मिल रही है। तो जो लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच सुबह सुबह ट्यून इन होने के लिए। गुड मॉर्निंग आप लोगों को। 10 में से सुपर शोडाउन को कितना रेट करेंगे फटाफट से जाके नीचे मुझे कमेंट्स में बताना है आपको। और ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ छोटा सा, कि जो मैं रिव्यू में बोलने वाला हूँ आप उसको नेगेटिवली ले सकते हैं। आप कह सकते हैं मैं AEW का दलाल हूँ, आप कह सकते हैं मैं AEW का फ़ैन हूँ, मैं AEW को सपोर्ट कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी मैं बोलने वाला हूँ ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि सुपर शोडाउन देखने के बाद WWE हैज़ फक्ड रेसलमेनिया। और इसके अलावा मेरे पास कहने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सॉरी बोलना चाहूँगा एक बार एफ बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए, लेकिन गाइज मैं आपको सिंपली कह सकता हूँ जो हमें सुपर शोडाउन 2020 में देखने को मिला है, जो लोग खुश हो रहे हैं कि भाई अब रेसलमेनिया और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ आपकी गलत फहमी है। क्योंकि रेसलमेनिया अब और भी ज़्यादा घटिया होने वाली है। सिर्फ एक गॉन्टलेट मैच को छोड़कर जहाँ पे हमें अंडरटेकर का रिटर्न देखने को मिला, दिस शो वॉज एब्सोल्यूटली टेरिबल। मुझे इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्राउड से लेके मैच इन रिंग सब कुछ बेकार था। इस शो के अंदर सिर्फ पटाखे बढ़िया थे जो लग रहे थे विजुअली अच्छे, अरीना की लाइटिंग को भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, सारी चीजें आउट ऑफ स्कोप थी, एंट्रेंसेस बॉच थी, कुछ मूव्स बॉच थे, पूरा शो डिजास्ट्रस था। और हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की सबसे पहले, क्योंकि बाकी चीज़ों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हम बात करते हैं यहाँ पे मेन इवेंट की, विच वॉज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, गोल्डबर्ग अगेंस्ट द फीड ब्रे वायत। अब मैंने अपनी प्रिडिक्शंस में ये बात बोली थी और बहुत से लोग ये प्रिडिक्शंस में अपनी क्लियरली मैंशन कर रहे थे कि फीड ब्रे वायत को ये मैच जीतना चाहिए, फीड ब्रे वायत को रेसलमेनिया में जाना चाहिए। 6-7 महीने से ब्रे वायत ने इतनी मेहनत करी है, इस कैरेक्टर को लिखा है, इस कैरेक्टर की एक एक चीज़ खुद बुक करी है। और WWE क्या करती है, 53-year-old हॉल ऑफ फेमर रिटायर्ड पार्ट टाइमर रेसलर के अगेंस्ट एक अच्छे डिजर्विंग कैरेक्टर को खत्म करा दिया। ही इज़ नाउ डेड। द फीड ब्रे वायत की स्ट्रीक यूजलेस तरीके से सऊदी अरेबिया जैसे बकवास शो में तोड़वा दी गई है। और अब गाइस इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता कि आखिर आगे द फीड ब्रे वायत क्या करते हैं। आप लोग आगे मुझे कहते हैं कि WWE सुपरस्टार बहुत मेहनत करते हैं, उनकी तुम कदर करो, रिस्पेक्ट करो, ये वो, तो ब्रे वायत की रिस्पेक्ट यहाँ पे WWE ने नहीं करी है। और मैं AEW का नाम यहाँ पे पूरे रिव्यू में नहीं लेने वाला, तो अगर आप मुझे AEW का फैन बोलते हैं तो आपकी वो गलत फहमी है, क्योंकि आप मेरी बात ढंग से सुन नहीं रहे हैं। और ये आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है, हमेशा से मैं कहता हूँ मैं ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे दे रहा हूँ। अब चाहे मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है और अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूँ, क्योंकि रेसलमेनिया एक बहुत अच्छा मोमेंट था ब्रे वायत के लिए शाइन करने के लिए। आने वाले समय में ब्रे वायत एक बहुत अच्छे कैरेक्टर बन सकते थे, लेकिन WWE ने क्या करा, गोल्डबर्ग आते हैं, 3-4 स्पीयर लगाते हैं, एक जैक हैमर जो कि अपने आप में बॉश था, वो ऑलमोस्ट एक सुप्लेक्स लग रही थी, जैक हैमर दूर दूर तक वो नहीं था, माइकल कोल ने तब भी उसको एक जैक हैमर बुलाया। और गोल्डबर्ग यहाँ पे हरा चुके हैं द फीड को। और फिर उसके बाद एक और एम्बेरसिंग चीज़ कि लाइट ऑफ होती है और फीड वहाँ से भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कैरेक्टर सेथ रॉलिंस डब्बे फोड़ दिए, पूरे पटाखे फोड़ दिए, उसके बाद भी वो उठ के सेथ रॉलिंस को हरा सकता है, गोल्डबर्ग के 4-5 स्पीयर से भी ब्रे वायत को कुछ नहीं हुआ, उसके सर में हथौड़ा मार दिया तब भी वो मैच नहीं हारा। हेल इन ए सेल की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 4 स्पीयर और एक बॉश्ड जैक हैमर से 53-year-old गोल्डबर्ग ने जो है वो हरा दिया फीड ब्रे वायत को। मुझे नहीं पता यहाँ पे इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ गाइज, आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से ब्रे वायत को बिल्ड कर रही थी WWE परफेक्ट था, उनकी स्ट्रीक चल रही थी एक, और उसको इस समय तोड़ना इज वर्थलेस। रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग अगर मैच होता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, आप लोग रोमन रेंज को सपोर्ट करें, आप गोल्डबर्ग को सपोर्ट करें, उस मैच को यूनिवर्सल टाइटल की ज़रूरत नहीं थी। अगर उस मैच को 1-on-1 भी करा जाता तो भी उसमें लोग उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड होते जितना कि वो अब हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए बनाया जा रहा है या फिर नहीं। क्या जॉन सीना वर्सेज गोल्डबर्ग होगा, आई हैव नो आइडिया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो ये है कि ब्रे वायत जैसे कैरेक्टर को WWE ने कर दिया यहाँ पे खत्म, द फीड इज डेड। मुझे फर्क नहीं पड़ता फीड आगे क्या करते हैं, लेकिन उनकी इस तरीके से स्ट्रीक तोड़ना, वो भी ऐसे बॉस्ड मैच में, बिल्कुल भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। रिव्यू की हम बात कर लेते हैं गाइज, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करूंगा क्योंकि बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं था। तो फटाफट से हम रिजल्ट्स की ओर बढ़ते हैं। किक ऑफ शो पे दी OC ने हरा दिया वाइकिंग रेडर्स को, बिल्कुल किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है इस मैच से। उसके बाद हमें देखने को मिलता है द टूएक माउंटेन ट्रॉफी गॉन्टलेट मैच, जो कि प्रोबेबली बेस्ट चीज थी पूरे शो के ऊपर। यहां पे हमें देखने को मिलता है कि R-Truth सबसे पहले हरा देते हैं
मैच के स्टार्टिंग में बॉबी लैशली को, उसके बाद वो अंड्राडे को भी हरा देते हैं, और उसके बाद वो एरिक रोइन को हरा देते हैं क्योंकि रोइन उनको मार देते हैं, रेफरी उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है। तो बेसिकली ऐसा लगता है कि आर ट्रूथ एक इम्पॉसिबल चीज़ करने वाले हैं, एजे स्टाइल्स आते हैं लेकिन फाइनली वो आर ट्रूथ को हरा देते हैं, काफ क्रशर से उनको टैप आउट करा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपोनेंट जो आने वाले होते हैं रिंग में वो थे रे मिस्टीरियो जो कि फाइनल पार्टिसिपेंट थे इस मैच के, लेकिन बैक स्टेज हमें देखने को मिलता है कि ओसी अटैक कर देती है रे मिस्टीरियो को, और उसके बाद एजे स्टाइल्स रेफरी को कहते हैं कि मैं जीत चुका हूँ इस मैच को बाय फोरफिट। रेफरी कहते हैं भाई नहीं ऐसे कैसे, हम वेट करेंगे। तो वो कहते हैं मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, अगर कोई ओपोनेंट बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हें फोरफिट से इस मैच को जितवा दूंगा। और उसके बाद हमें फुटेज देखने को मिलते हैं कि अंडरटेकर जो हैं वो बैक स्टेज अटैक कर देते हैं ओसी को, रिंग के अंदर आते हैं, रे मिस्टीरियो की बेसिकली जगह ले लेते हैं, वो मैच में भी नहीं थे। एजे स्टाइल्स को चोक स्लैम देते हैं, रेफरी बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं फर्क पड़ता, अंडरटेकर जीत गए। और सबसे फनी बात कि वो से अपनी ट्रॉफी लेकर भी नहीं गए। तो कमाल की बात यहाँ पे ये है, मैं दो फ्लॉज यहाँ पे निकाल सकता हूँ, जबकि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, अंडरटेकर वापस आए, उनका मैच एजे स्टाइल्स के साथ होगा। दो बड़ी गलतियाँ यहाँ पे ये कि अंडरटेकर को ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं था, और वो ऐसे कैसे मैच में आ सकते हैं, हमने बहुत बार देखा है, जैसे बेकी लिंच रॉयल रंबल में आ गई थी जब शेन मैकमैन बेस्ट इन द वर्ल्ड का टूर्नामेंट जीते थे सऊदी अरेबिया में। WWE लॉजिक नहीं ढूंढती है चीज़ों में, हम लोग ढूंढते हैं। अब आपको लगता है मैं घुस के क्यों देखता हूँ WWE, भाई अगर कोई हम रीज़न ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ के पीछे और वो सही नहीं बैठता है तो हम उसको गलत बिल्कुल बोलेंगे, और ये बोलने का मतलब बनता भी है। तो आप लोग अगर इस चीज़ से अग्री नहीं करते, फिर से मैं बोलूँगा कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बना है, जो आपको बोलना है वहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन तब भी मैं कहूँगा ये बेस्ट चीज़ थी इस पूरे शो पर, अंडरटेकर वापस आ चुके हैं और उनकी फ्यूड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अब एज स्टाइल्स के अगेंस्ट। उसके बाद हमें जॉन मॉरिसन और मिस का मैच देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा टैग टीम मैच था, क्राउड वॉज डेड, पूरे शो के अंदर ऐसा लग रहा था कि मेरा टीवी म्यूट पर है या क्राउड म्यूट पर है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन क्राउड बहुत बेकार था, लेकिन तब भी यहाँ पे WWE का क्रिएटिव डिसीजन सही है। जॉन मॉरिसन चुपके से चेयर से अटैक कर देता है कॉफी किंगस्टन को, रेफरी उस चीज़ को देखता नहीं है, और मिज और मॉरिसन बन चुके हैं नए टैग टीम चैंपियंस। तो एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से, एक सही क्रिएटिव डिसीजन WWE ने यहाँ पे लिया है, मैच भी ठीक ठाक था, इसके बारे में कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोल सकता। एंजल गार्जा अगेंस्ट हुम्बर्टो करियो, जिनको मैं बुला रहा हूं लूजर तो कैरियर ओवर हो, क्योंकि इनको इतने सारे मैचेस हरा चुके हैं WWE कि फर्क नहीं पड़ता कि हुम्बर्टो कौन है, फर्क नहीं पड़ता हुम्बर्टो करियो कौन है, यूनाइटेड स्टेट चैंपियन कभी रहे हो या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, इतने सारे मैचेस बैक टू बैक, एक पार्ट टाइमर NXT सुपरस्टार जो अब मेन रोस्टर पे कुछ समय से आ रहा है, टेम्परेरली वहां पे परफॉर्म कर रहा है, वो भी हुम्बर्टो को हरा देता है, तो मैं क्या मानूं कि हुम्बर्टो कहां पे स्टैंड करते हैं। एंजल गार्सा इस मैच को जीत गए, कुछ भी खास यहां पे बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। उसके बाद सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मैंने आपको ये बात क्लियरली प्रिडिक्शंस में बोल दी थी कि जितना भी हो जाए यहां पे रॉलिंस और मर्फी अपना टाइटल रिटेन करने वाले हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेथ रॉलिंस यहां पे स्टॉम्प लगा देते हैं एंड में मॉन्टेस फोर्ड पे, और बडी मर्फी उनको पिन कर देते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर तरीके से जब रॉलिंस और मर्फी अपने टाइटल जीते थे, वही एग्जैक्ट सेम मोमेंट हमें यहां पे इस मैच में देखने को मिलती है, और रॉलिंस और मर्फी अभी भी फिलहाल चैंपियंस हैं। अगला मैच हमें देखने को मिलता है मंसूर और डॉल्फ ज़िगलर के बीच में, और मैं यहां पे क्लियरली स्टेट कर दूं कि ये मैच उतना अच्छा कहीं से भी नहीं था जितना अच्छा मंसूर और सिजारो का मैच हमें लास्ट टाइम देखने को मिला। शायद WWE ने इस चीज को ग्रांटेड ले लिया है कि मंसूर सऊदी अरेबिया में जाएंगे तो उनको कमाल का रिएक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस बार लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है मंसूर से, चैंट हुई पॉप हुई ठीक ठाक, लेकिन क्राउड को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तब भी क्राउड ठीक ठाक थोड़ी बहुत चैंट कर रहा है, इससे ज्यादा चैंट तो जॉन मॉरिसन और मिस के मैच में हो रही थी। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए थी, WWE के लिए भी होगी कि मंसूर को जो रिएक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये मैच बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, मंसूर इसको जीत गए, वो चीज़ हम पहले से ही जानते थे। अगला मैच आता है WWE चैंपियनशिप के लिए, ब्रॉक लेसनर एंड रिकोशे। अब बेसिकली मेरी रोहित से बात हो रही थी मैच देखते देखते लाइव, ऑब्वियसली रोहित फ्रॉम रेसल चैटर, हम ही बार बार बात कर रहे थे कि कितने सेकंड आखिर रिकोशे बिता सकते हैं रिंग के अंदर, क्या रिकोशे सच में जीत जाएंगे, क्योंकि जो प्रोमो था इस मैच से पहले उसमें रिकोशे कहते हैं आई एम मोर देन द चैलेंजर फॉर ब्रॉक लेसनर, मुझे एक मौका मिल रहा है और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हुआ क्या, रिकोशे सबसे पहले आते हैं अपनी गियर चेंज करके, और मैंने उसके बारे में एक बढ़िया सा कॉमेंट किया था, कम्युनिटी टैब पर जाके उसको देखें, लेकिन ब्रॉक लेसनर 3 सुप्लेक्स F5 रिकोशे आउट, लॉस्ट द मैच। एम्बेरसिंग रिकोशे के लिए, एम्बेरसिंग हम फैंस के लिए, हम जानते थे ऐसा होने वाला है,
लिटरली पॉल हेमन इस मैच को शुरू होने से पहले कहते हैं कि ये मैच ब्रॉक लेसनर जीतने वाले हैं और वही होता है एग्जैक्टली। तो क्या WWE ने मजाक बनाना था रिकोशे का कि उनको किसी चीज़ की पनिशमेंट मिल रही है? मुझे समझ आ रहा था कि ब्रॉक लेसनर एक WWE चैंपियन इस समय इतने स्ट्रांग है, उनका मैच मैकइंटायर के साथ होगा तो रिकोशे का कोई चांस नहीं है जीतने का। लेकिन मैंने ये बात भी बोली थी कि मैं एक लंबा मैच, एक कंपेटिटिव मैच देखना पसंद करूंगा। अब मैंने ये भी सुना है कि पॉल हेमन काफ़ी हाई है रिकोशे के ऊपर, तो अगर पॉल हेमन बहुत हाई हैं तो ऐसा लगता है कि विंस मिकमैन पॉल हेमन की बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक रिकोशे के लिए एम्बैरेसमेंट थी। बट ब्रॉक लेसनर स्टिल द WWE चैंपियन। अगर आप लोगों ने रिकोशे पर पैसा लगाया था तो भाई आप पैसे हार चुके हो और आपको बैट नहीं लगानी चाहिए आगे से। उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है रोमन रेंस, जो कि प्रॉबेबली 99% ऑफ इंडियंस को पसंद है, अगेंस्ट किंग कॉर्बिन। पहली चीज, मैं इस मैच में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। ये फ्यूड इतनी लंबी चल रही है 4 महीनों से। माइकल कोल कहते हैं दिस फ्यूड हैज बीन अ क्लासिक। आप लोग मुझे बताएं ये फ्यूड किस एंगल से क्लासिक थी? पिछले 4 महीनों से रोमन रेंज और बैरन कॉर्बिन क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से? क्या ऐसा रीजन है कि बार बार उनको एक मैच में आना पड़ रहा है? क्या इसके पीछे रीजन है? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन ये स्टील केज मैच बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। स्लो मैच था। रोमन रेंज ने पूरे मैच में स्पीयर की मदद भी नहीं ली, शायद 5 सुपरमैन पंच लगा दिए और किंग कॉर्बिन आसानी से इस मैच को हार गए। मैंने सिंपली कम्युनिटी टैब पे लिखा कि वार्डलो और कोडी रोड्स का जो AEW डायनामाइट में हुआ था मैच, वो बेटर था रोमन रेंज और कॉर्बिन के मैच से। मैंने आपको कहा था इस रिव्यू में मैं AEW का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये 2 मैचेस के बीच का कंपैरिजन है, ना कि 2 कंपनीज के बीच का। और आप लोग ऑनेस्टली मुझे जाके कमेंट्स में बता सकते हैं क्या कोडी रोड्स और वार्डलो का मैच बेटर था या रोमन रेंज और किंग कॉर्बिन का स्टील केज मैच बेटर था। जो बेटर आपको लगा आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। रोमन रेंज को मैच जीतना था, बिल्कुल वैसा ही हुआ और वो इस मैच को जीत गए। उसके बाद बेली और नायोमी, गाइस फाइनली जिस मैच के बारे में बात करूंगा, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। बेली मैच को जीत चुके हैं, कुछ भी खास नहीं था। इसकी भी एंडिंग बॉश थी। अंडरटेकर की चोक स्लैम थोड़ी सी बॉश थी। गोल्डबर्ग की एंट्रेंस पूरे तरीके से बॉश थी। गोल्डबर्ग का जैक हैमर बॉश था और ये पूरा सुपर शोडाउन जो है वो फ्लॉप डाउन बन चुका है। और ये WWE ने वर्स्ट शो मुझे लगता है अभी तक करा है सऊदी अरेबिया में। क्रिएटिवली कुछ चीज़ें सही हुई हैं और आगे जाके वो मुझे पता है WWE खराब करने वाली है, क्योंकि मिज और मॉरिसन को कोई भी एज अ लॉन्ग टर्म चैंपियन नहीं देख रहा फिलहाल WWE में, एटलीस्ट उनके क्रिएटिव, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बुकिंग चल रही है वो देख के क्लियरली हमें बताती है कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे टैग टीम डिवीजन का। ये है आपका सुपर शोडाउन का रिव्यू। 10 में से मुझे इसको रेट करना हो मैं दूंगा 4 out of 10, जिसमें से 3 नंबर है यहाँ पे गॉन्टलेट मैच के और बाकी 1 है WWE के सही क्रिएटिव डिसीजंस का, जो कि था एक ब्रॉक लेसनर का मैच और दूसरा था स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप का मैच। ये आपका सुपर शोडाउन का रिव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी रेटिंग मुझे कॉमेंट्स में बताएं और डीप में डिस्कशन करेंगे आगे क्या हो सकता है, वो सब बातें करेंगे आने वाली वीडियोज में। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं